नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज आइए देखिए, एक सब्जी की तैयारी हो रही है। तो ये काहे की सब्जी है, ये क्या है? सेंधिया। इसको बोलते हैं क्या है? सेंधिया। सेंधिया, ये देख लीजिए, ये सेंधिया है। बुंदेलखंड की भाषा में इसको सेंधिया बोलते हैं और ये प्राय बहुत ज़्यादा खेतों में मिल जाया करता है। तो आप पहचान लीजिए इसको। तो इसको बनाने के लिए कैसे बनाते हैं बताओ जरा थोड़ी। ऐसे तेल मसाला डाल कर बना लेंगे। अच्छा, इसको पहले कूट करके बीजा निकालोगे? हाँ, कूट करके इसका बीजा निकाल देंगे, धोगे। हाँ, इसका देखो कूटेंगे और कूटने के बाद दिखाओ जरा उसको, दिखाओ, उठाओ टोकरी, वो टोकरी उठाओ, टोकरी। ये देखो इसको इन्होंने क्या किया है, कूटा हुआ है, कूट करके इसको बिल्कुल निकाल दिया। इसका बीजा निकाल देंगे धो करके, और धो करके बीजा निकालने के बाद फिर इसको जो है तेल मसाला जीरा, ज्यादा बहुत तेल मसाला नहीं डालना, नहीं ना? हाँ, ज्यादा तेल मसाला नहीं डालते इसमें, ज्यादा नहीं। हाँ, जीरा और क्या क्या डालते हैं इसमें? बस मिर्चा। अच्छा, जीरा मिर्चा हल्दी वगैरह ये थोड़ा थोड़ा डालना और इसकी सब्जी बनाइए। बहुत ही ताकतवर सब्जी है ये, हर समय नहीं मिलती है, कुछ दिन मिलती है ये। कितने दिन मिलेगी? अरे कुंवार लगे, बस एक महीना दो महीना ये सब्जी चलतियाँ हैं और इसके बाद ये नहीं फिर मिलेगी आपको। तो ये बहुत ताकतवर सब्जियाँ हैं, एक दो बार जरूर इसका इस्तेमाल करें। और ये सिंधिया है, देख लीजिए। और पक्की, जब ये पक जाती है तो बहुत टेस्टी लगती है, नहीं? हाँ, पकने के बाद भी खाते हैं। पक्की सब्जी बना थी। हाँ, तो ये आप सब्जी खाइए, पकने के बाद खाइए। कच्चा तो कड़ू होता है, ये कड़ुआ होता है। इसीलिए इसको क्या करना है, इसको धोने के बाद थोड़ा सा नमक मिला करके इसको रख दिया जाता है। जिस तरीके से करेले की सब्जी बनाते हैं उसी तरीके से इसकी बनाते हैं। हाँ। तो आप बनाइए और अपने स्वास्थ्य का लाभ लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।